कर तू हासिल कर वी हसल हार्ड सृष्टि कहाँ से हो आप? मुंबई से हूँ। कितने साल के हो आप? 23। ये रैप की जर्नी के बारे में आप बताओगे कुछ, कैसे क्यों? रैप की जर्नी ऐसी है कि मैं लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो कोई काम धंधा नहीं था मेरे पास, तो मैंने लिखना शुरू किया था। मतलब मैं पहले पोएम्स लिखती थी, पोएम्स पैरोडी सॉन्ग्स लिखती थी, ये सब लिखती थी, बहुत ऐसा कुछ ना कुछ लिखती थी। और किसी ने तो बोला कि देखो रैप लिखना चाहिए, तू अच्छा लिखेगी। तो मैंने कुछ रैप सुने तो मेरे को लगा मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा तो मेरे को मजा आया तो मैं लिखती गई। आपको ऐसे ही सुन के मेरे को कितना मजा आ रहा है, ऐसी बात करते हुए एकदम बॉम्बे झलक के आ रहा है आपके अंदर से। अभी और आएगा। आपको इस हसल के बारे में कैसे पता चला? जब से मैं लिख रही हूँ किसी ना किसी को सुनाने का मन करता है ना हमेशा, तो मेरे पास ऐसा कोई परमानेंट इंसान नहीं, सिंगल चल रही बहुत टाइम से। तो मैंने डेटिंग एप्स पे लोगों को ऑडियो भेज भेज के रैप सुनाना चालू किया। थॉट कैसे आया आपको कि आपने पूरे सोशल मीडिया ऐप को छोड़ के डेटिंग ऐप ही चुना? वेले होते ना वहाँ पे। तो उसमें से कोई तो एक जन ने बोला मेरे को कि देखो हसल का ऑडिशन क्यों नहीं दे रही है तू, तो मेरे को लगा हाँ सही बात है क्यों नहीं दे रही हूँ। डेटिंग ऐप पे? हाँ। क्या स्वाइप मारा है राइट, बिल्कुल राइट जगह पे आयो। सृष्टि हम वेले नहीं है लेकिन हम फिर भी सुनेंगे। थैंक यू। अगर आप रैप और हिप हॉप सुनते हो, जो कि मुझे लगता नहीं आपको देखिए आप बिल्कुल भी सुनते हो। नहीं, मैं गजल सुनती हूँ एक्चुअली। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये बंदी मेरे को ना लोन रेंजर लग रही है, तू अलग ही है। तेरी वाइब कुछ और है भाई, क्या हुक क्या है। दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, जगह जगह मुंबई का ही बोलबाला है बेड़ा, पूना में, पटना में, गोवा में भी हवा हवा मुंबई। ऐसा रैप मैंने सुना नहीं अभी तक, और ये रैप है, दिस इज पोएट्री। सृष्टि योर जॉनर, ये सृष्टि जॉनर का रैप है ये जो तुमने किया। यू नो मुंबई दर्शन की बात करी आपने, तो मुझे नंबर वन की वो मुंबई के दिन याद आ गए जैसे हम भी आउटसाइडर ही थे। सो अभी तो ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो गया, तो मुंबई आमची, मुंबई, मुंबई मेरी माँ, मुंबई सब कुछ है यू नो, कि मुझे तो याद भी नहीं है मैं कहीं और से था एक्चुअली यू नो। तो ये जितनी चीज़ें आपने बताई ना वो बहुत इमोशनल है मेरे लिए कि यार मुंबई कितना एक्सेप्ट करता है लोगों को, कितने टैलेंट को सजाता है, कितने सपनों को बनाता है, लेकिन एक बार अपना लेती है ना बॉम्बे माँ मुंबा देवी तो आपको छोड़ती नहीं। एज अ फीमेल मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये शहर जितना हम लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है, जब सेफ्टी होगी तब तो ड्रीम्स देखने की हिम्मत मिलेगी ना। आई ओ अ लॉट टू माई सिटी एंड आई कैन सी दैट फायर इन यू, इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी अनदर फीमेल ऑन स्टेज किलिंग इट फ्रॉम माई सिटी। आमची मुंबई, लेट्स गो। थैंक यू। सृष्टि कई जगह वर्स लंबा लगा, टू मच मेंशन फूड का, बट वो कल्चर में है बॉम्बे के। But I think it's up to all of us to carve a diamond out of this. अब मुझे ये लग रहा है कि आपके स्क्वाड बॉस किसको बनाया जाए? I think Dino would be a great mentor. Welcome to my team. We hustle hard. Underground, say mainstream to chill. We hustle hard.